बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। ऐसा कहते हुए माँ बाप अक्सर ही अपने बच्चे को पीट देते हैं, लेकिन बहुत कम ही माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें इस जिद का दूसरा पहलू भी समझ आता हो। जिद का वो पहलू जो इंसान को हर तरह की चुनौती के आगे डटकर खड़ा रहने की हिम्मत देता है, जो तमाम संघर्षों से लड़कर अपने लिए खुद रास्ता तैयार करना सिखाती है। कुछ इसी तरह की जिद से जुड़ी है शीतल देवी की कहानी, जिसकी चर्चा आज ही सूचना कॉलोनी से गुजरते हुए सुनने को मिली है। तो चलिए सूचना कॉलोनी की ये जानकारी हम आप तक भी पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर गांव लोई धार में जन्मी शीतल देवी के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं। अभी शीतल 16 साल की हैं। 1.5 साल पहले ही सेना के एक अधिकारी ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी के कोच कुलदीप वेदवान को शीतल के बारे में बताया। कुलदीप कुमार ने शीतल से अकादमी में आने और अन्य लोगों को शूटिंग करते हुए देखने के लिए कहा। बस यही से शीतल की तीरंदाजी का शौक जगा, जिसने न केवल उन्हें दुनिया की पहली बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज बनाया, बल्कि हाल ही में चेक गणराज्य में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी दिलाया। शीतल के बारे में उनके कोच और सहयोगी बताते हैं कि उनके लिए तीरंदाजी शुरू करना ही काफी चुनौतीपूर्ण रहा। शीतल की सबसे अच्छी बात यह थी कि जब वो अकादमी आई और दूसरे पैरा तीरंदाजों को तीरंदाजी करते देखा तो वो इस खेल के लिए तैयार हो गई, जिसके बाद बिना हाथों के तीरंदाजी सीखने के लिए उन्हें दुनिया के पहले बिना हाथों के पुरुष तीरंदाज अमेरिका के मैट स्टुड्समैन के वीडियो दिखाए गए। इसके बाद मैट जब भारत आए तो उन्होंने शीतल से मुलाकात की। उस वक्त उन्होंने शीतल का धनुष भी देखा। उन्होंने इनके धनुष में कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए, जिसके बाद उनके लिए अकादमी में एक विशेष कस्टमाइज्ड धनुष तैयार कराया गया। इन सब प्रयासों के चलते कोशिशों में वो 6 माह के अंदर ही तीरंदाजी में निपुण हो गई। यहाँ तक वो पैरा के अलावा आम तीरंदाजों के साथ भी खेलने लगी नॉर्मली। कोच अभिलाषा के मुताबिक चेक रिपब्लिक में शीतल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पैरा टूर्नामेंट खेला था, जिसमें उन्होंने 2 रजत और कांस्य जीते, जबकि पेरिस पैरालंपिक की क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा। शीतल अपने बारे में कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो तीरंदाजी करेंगी। उनके लिए ये अभी भी एक सपने जैसा ही है। जब उन्होंने तीरंदाजी शुरू की थी तो बिना हाथों वाली दुनिया की पहली महिला तीरंदाज बनी थी। हालांकि अब पूरी दुनिया में बिना हाथ के कुल 6 तीरंदाज आ चुके हैं। शीतल की फौलादी जज्बे वाली ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।